आराम से भाई, आराम से यार से भाई, कोई आगे पीछे नहीं करेगा, आराम से आराम से देखो, आराम से नहीं चलूंगा, सारे पीछे रहना भाई। धन्यवाद भाई, चलते रहो चलते रहो आपका। मेरा नाम बीरेंद्र है, मैं एक सरपंच गांव खेटा वास्ते। आज राव साहब आए हैं, किस तरह का समर्थन दे रहे हो? हाँ जी, किस तरह का समर्थन दिया और कितना प्यार दे रहे हो? आई आखिरी प्यार और समर्थन है राव साहब के लिए, लोग पलक पलकों पर बैठाए उनके लिए तैयार है। इस क्षेत्र में फरुखनगर एरिया का मैंने बेरो है, बीजेपी के सिवा यहाँ कुछ नहीं है, बीजेपी बीजेपी है। और राव साहब काफ़ी भारी बहुमत तक जीता है, विजय बना के यहाँ तक भेजा। पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या फरुखनगर का काम हुए थे? जब 14-19 तक की बीजेपी सरकार थी उसमें फरुखनगर का बहुत काम हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और उसी को परिणाम है जो आज राव साहब जनता राव साहब के साथ है। जो पिछला 5 साल गया है वे निर्दलीय प्रत्याशी था, उसने विकास नहीं कराया। अगर माननीय मंत्री जी ने टिकट मिल जाती तो आज यह हम 20 साल आगे हो जाता। आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है जी, आप फरुखनगर पहुंचे हैं, कितना सहयोग मिला है आपको? नहीं, पहले से सहयोग मिल रहा, लेकिन समापन का समय है तो फरुखनगर बाजार में व्यापारी को हाजिर लगाने के लिए मैं आया हूं, और उम्मीदें लोगों का समर्थन अच्छा मिल रहा है। चारों सीट भाजपा जीत जा रही है? नहीं, गुड़गांव की चारों सीट और दक्षिण हरियाणा की तकरीबन सीटें भाजपा जीत रही है। और विकास कार्यों की झड़ी लगेगी? हाँ, कोशिश है, और लोग इसी उम्मीद से वोट देते हैं कि मेरा विकास का काम हमारे इलाके में, और भाजपा ने पहले भी विकास के दक्षिण हरियाणा में काम किया, आने वाले समय में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। सरपंच खैटावास से हूँ जी,
बताओ किस तरह का समर्थन मिल रहा है? राव नरवीर को बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, लोग बाग मिलने को और वोट डालने को और इतना ज्यादा उत्सुक है कि आप पूछो मत ना। ये आप भीड़ देख रहे हो और इतने ज्यादा लोग बाग उत्सुक है राव नरवीर के साथ तो आप वोट डालने के लिए। और राव नरवीर सिंह 8 तारीख को बाकी जो और कैंडिडेट है उनको 11 बजे ही अपने घर भेज देंगे और राव नरवीर बहुत भारी विजय मतों से विजय होकर चंडीगढ़ जाएंगे।